हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलेश शर्मा। हॉर्टिकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मेरे पहले वाले वीडियो में हम वेजिटेबल साइंस आईसीआर नेट का सिलेबस देख चुके हैं, जिसमें टोटल 8 यूनिट है। आज हम फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट क्रॉप लेंगे। फर्स्ट यूनिट है हमारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कूल सीजन वेजिटेबल क्रॉप। दोस्तों, कूल सीजन वेजिटेबल क्रॉप होती क्या है? कूल सीजन क्रॉप वे क्रॉप होती है जिनका हम वेजिटेटिव पार्ट एज अ ह्यूमन कंजप्शन के रूप में यूज करते हैं, जैसे कि पोटेटो हो चुके हैं, ट्यूबर क्रॉप्स हो चुकी है, कैरोट, कैरेट, रेडिश, इसके अलावा बल्ब क्रॉप में अनियन, गार्लिक, ये सारी क्रॉप्स एक तरीके से कूल सीजन क्रॉप है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनका हम वेजिटेटिव पार्ट यूज करते हैं। तो आइए आज हम पहली क्रॉप पोटेटो लेते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर एक एक क्रॉप को डेली पढ़ेंगे। यहाँ पोटेटो सोलेनेशियस क्रॉप की एक ही क्रॉप है कूल सीजन क्रॉप में, इसलिए हम पोटेटो सिंगल ले रहे हैं। इसके अलावा हम कॉलीफ्लावर जो भी कॉल क्रॉप्स जो रहेगी उनका हम एक साथ पढ़ेंगे, ताकि हम जल्दी से जल्दी ये सिलेबस कंप्लीट कर पाए और अच्छे से अच्छे नोट्स की हम और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। तो आइए पोटेटो पढ़ते हैं। पोटेटो आप सभी लोगों ने देख रखा होगा, राउंड शेप में भी रहता है, ओवल शेप का रहता है, स्किन कलर रहता है। पोटेटो ब्लूइश रेड कलर का है, पिंकिश रेड भी होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ आयरन प्रेजेंसी के कारण। इसका बोटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरेशम, फैमिली सोलेनेशी, ओरिजिन पेरू, क्रोमोसोम नंबर 48 टेट्राप्लॉइड वेराइटी है। एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इसका यूपी है एरिया, प्रोडक्शन में भी यूपी सबसे आगे है। प्रोडक्टिविटी से सबकी हाईएस्ट है वेस्ट बंगाल की। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता था कि पोटेटो इंट्रोड्यूस इन विच सेंचुरी, तो 17 सेंचुरी में पोटेटो इंट्रोड्यूस हुआ था इन इंडिया में। यह बेस्ट होता है 6 to 6.5 सोइल पीएच पे अच्छी तरीके से हो जाता है। कूल सीजन क्रॉप है ही सही, कैश क्रॉप है पोटेटो। कैश क्रॉप कौन सी क्रॉप कहलाती है? कैश क्रॉप वो कहलाती है जो हार्वेस्टिंग के बाद हम डायरेक्टली मार्केट में सप्लाई करते हैं, वो सारी कैश क्रॉप कहलाती है जिनका हम स्टोरेज लंबे टाइम तक नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक यहाँ से नेट से पूछा जाता है नेट में कि पोटेटो लगते कहाँ पर है एक्चुअल में। तो अगर ऑप्शन आ जाए स्टेम, रूट, स्टोलन एंड स्टोलन, तो हमारा आंसर सही होगा स्टोलन एंड। इसी टाइप से पोटेटो में सोलेनिन पाया जाता है। सोलेनिन क्या होता है? सोलेनिन पोटेटो में ग्रीनिश कलर को शो करता है। जब पोटेटो डायरेक्टली सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आता है तो वह ग्रीनिश होने लगता है, तो वो ग्रीनिश सोलेनिन के कारण होता है। ये एक तरीके से हार्मफुल होता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी, क्वालिटी डिट्यूरेट करता है। तो अगर देखा जाए तो सोलेनिन पर 100 ग्राम ट्यूबर में 5 मिलीग्राम तक लिमिटेटेड रहता है। अगर ये मात्रा 20 मिलीग्राम से अधिक हो जाती है तो ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए हार्मफुल हो। नेक्स्ट है पोटेटो का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन बनता है नेट के लिए, अगर सोलेनिन के बाद और स्टोलन एंड के बाद, तो वो होता है उसका टेम्परेचर। बेस्ट टेम्परेचर होता है फॉर ट्यूबराइजेशन, फॉर सीड जर्मिनेशन के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव चला जाता है इन केस ऑफ नाइट में, तो ट्यूबराइजेशन नहीं हो पाता है। और अगर ये दिन का टेम्परेचर अगर 29 से अबव चला जाता है तो भी ट्यूबराइजेशन नहीं होता है। तो इसलिए अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि विच इज़ द बेस्ट टेम्परेचर फॉर ट्यूबराइजेशन इन पोटेटो, और ऑप्शन में आ जाए 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 29 एंड 25, तो हमारा राइट आंसर होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मैक्सिमम ट्यूबराइजेशन अकर्स एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्यूबर फॉर्मेशन स्टॉप्स कंप्लीटली एट अबाउट 29 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, हम डिस्कस कर ही चुके हैं। प्लांटिंग टाइम नॉर्थ इंडिया में इसकी प्लांटिंग होगी फेब्रुअरी टू मार्च, साउथ इंडिया में जून टू जुलाई, एंड हिली एरियाज में मार्च टू अप्रैल। नेक्स्ट आता है ट्रू पोटेटो सीड। ट्रू पोटेटो सीड एक्चुअल एक टेक्निक्स है। पोटेटो में दो प्रकार की टेक्निक्स पाई जाती है, ट्रू पोटेटो सीड एंड सीड प्लॉट टेक्निक। तो अभी हम बात करते हैं ट्रू पोटेटो सीड। तो ट्रू पोटेटो सीड ये एक सीड डेवलपमेंट करने की टेक्निक्स है जिसको रामानुजन ने 1957 में डेवलप किया गया था, और इस
की टेक्निक्स के थ्रू इसके जो सीड होते हैं वो 100 टू 150 ग्राम पर हेक्टेयर सफिशिएंट रहते हैं। इसके अलावा पोटेटो का प्रोपोगेशन ट्यूबर के थ्रू किया जाता है। पोटेटो का प्रोपोगेटेड ट्यूबर के अलावा क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि पोटेटो इज प्रोपोगेटेड बाय, तो दो टाइप्स के हो सकते हैं, पोटेटो सीड एंड सीड पोटेटो। पोटेटो सीड मीन्स एक्चुअल जो सीड होता है, जो टीपीएस 100 टू 150 ग्राम पर हेक्टेयर, ये है पोटेटो सीड की सीड। एन होता है, एक होता है सीड पोटेटो, तो इट मीन्स वो ट्यूबर की बात करता है, तब उसमें सीड रेट ज़्यादा होती है, वो कुंटलों में जाती है। ट्यूबर है वो डोरमेंसी फॉर नियर बाय 8 to 10 weeks, तो ट्यूबर में, पोटेटो ट्यूबर में डोरमेंसी पाई जाती है लगभग 8 to 10 weeks, मीन्स 2 month की। और इस डोरमेंसी को तोड़ने के लिए कुछ केमिकल का यूज किया जाता है, जैसे यहाँ है थायो यूरिया, इसके अलावा GA3 है। तो थायो यूरिया मीन्स सोडियम पोटेशियम थायोसाइनेट, जिसका 1 to 2% सोल्यूशन यूज किया जाता है, एंड GA3 का 5 ppm सोल्यूशन यूज किया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं प्रोपोगेशन मटेरियल की, तो प्रोपोगेशन मटेरियल की हमें डेफिनेटली कमर्शियली अगर प्रोपोगेटेड किया जाता है तो ट्यूबर के थ्रू किया जाता है। अब हम ट्यूबर की साइज क्या लेते हैं, जो एक आइडियल साइज मानी जाती है, तो वो है ट्यूबर की साइज 25 to 30 ग्राम ट्यूबर, 30 to 40 mm डायमीटर वाला ट्यूबर आइडियल माना जाता है। और इसकी सीड रेट होती है फिर 20 to 35 क्विंटल पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है सुबेराइजेशन या हिलिंग। दोस्तों सुबेराइजेशन या हिलिंग क्या होता है, हिलिंग हमने वर्ड सुना हुआ है, हिलिंग का मतलब होता है घाव का भरना। तो जी हाँ, ये वही वाली बात है कि जब पोटेटो किसी भी मैकेनिकल के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू डैमेज होता है तो पोटेटो ऑटोमेटिकली अपने आप को हील कर लेता है, ताकि वो अपनी क्वालिटी को डिटेरियोरेट ना करे और पूरी आलू बचा रहे हैं। तो बेस्ट टेम्परेचर हीलिंग हो जाता है 18 to 20 degree centigrade विथ 85 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इस टेम्परेचर पर पोटेटो ऑटोमेटिकली अपने आप को अच्छी तरीके से हील कर लेता है, जिसको हम सुबेराइजेशन कहते हैं। पोटेटो में हार्वेस्टिंग के 10 दिन पहले से इरिगेशन को चेक कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि बल्ब क्रॉप हो चुकी है, चाहे रूट क्रॉप हो चुकी है, चाहे पोटेटो हो चुका है, इन सारी क्रॉप्स में हार्वेस्टिंग के 7 to 10 days बिफोर इरिगेशन को रोक दिया जाता है, ताकि इजीली हार्वेस्टिंग हो सके और वह अच्छी तरीके से अपने आप को हार्वेस्टिंग के लिए रेडी कर सके। नेक्स्ट आ जाता है यील्ड। जब हार्वेस्टिंग आई गए हैं तो यील्ड पे आ जाते हैं। इसकी अर्ली वेराइटी की 200 क्विंटल एंड लेट वेराइटी के 300 क्विंटल, अगर हम रेंज में भी लिख सकते हैं इसको 200 टू 300 क्विंटल पर हेक्टेयर। दोस्तों ग्रेडिंग की बात करते हैं, वैसे नेट के लिए ग्रेडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन मैंने नॉलेज के लिए यहाँ ऐड कर दिया है। तो ये 3 प्रकार की ग्रेड होती है, ग्रेड ए, ग्रेड बी एंड ग्रेड सी। ग्रेड ए में लार्ज साइज वाले ट्यूबर आते हैं, ग्रेड बी में मीडियम साइज वाले एंड ग्रेड सी में स्मॉल साइज वाले ट्यूबर को कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट अगर पोटेटोज अगर नेट के लिए अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो आ जाता है फिर उसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसका सबसे फेमस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखा जाए तो ब्लैक हार्ट है, जो कई बार एग्जामों में पूछा गया है। इसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में एक है होलो हार्ट, ये होता है इसके रैपिड ग्रोथ के कारण या ओवरडोज ऑफ नाइट्रोजन के कारण होता है। तो डेफिनेटली इसका कंट्रोल मेजर होगा एडक्वेट फर्टिलाइजर अप्लाई इन द फील्ड। नेक्स्ट है ब्लैक हार्ट। ब्लैक हार्ट डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन के कारण होता है इन स्टोरेज एंड पुअर वेंटिलेशन इन स्टोरेज, इन दोनों रीजन के कारण ब्लैक हार्ट होता है। तो डेफिनेटली इसका कंट्रोल मेजर पुअर वेंटिलेशन को अच्छे से प्रोवाइड कराना होगा। नेक्स्ट है ग्रीनिंग। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ग्रीनिंग मीन्स जब पोटेटो डायरेक्टली सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसमें सोलेनिन की मात्रा बढ़ने लगती है, पोटेटो ग्रीनिश हो जाने लगता है। तो इसके लिए सोलेनिन की लिमिटेशन होती है 5 mg/100 g, और जब ये मात्रा 20 mg से ज़्यादा हो जाती है तो ये हार्मफुल होता है फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो इसके लिए कंट्रोल क्या हो सकता है कि हम अर्थिंग अप कर दें
आफ्टर 30 to 45 डेज आफ्टर सोइंग। नेक्स्ट है नोबिनेस। नोबिनेस का मतलब होता है जब नोब निकल आते हैं जब पोटेटो में, तो इस डिसऑर्डर को नोबिनेस कहा जाता है और ये अनइवन ग्रोथ ऑफ ट्यूबर सेल्स टिश्यू के कारण होती है। ये हैवी इरिगेशन आफ्टर अ लॉन्ग ड्राई स्पेल लीड्स टू फास्ट ग्रोथ ऑफ सम सेल्स एंड एज अ रिजल्ट नोब्स आर फॉर्म्ड। इसका कंट्रोल है इंश्योर फ्रीक्वेंट एंड ऑप्टिमम इरिगेशन। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है क्रैकिंग। क्रैकिंग के ऊपर सबसे बेस्ट क्वेश्चन अभी तक नेट में आया है वो है कुफरी ज्योति। कुफरी ज्योति क्रैकिंग के लिए ससेप्टिबल वेराइटी है, ये क्वेश्चन कई बार नेट में आ चुका है। क्रैकिंग के ऊपर एक और सबसे बेस्ट क्वेश्चन बनता है कि किसके कारण होता है, तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है बोरोन डेफिशिएंसी के कारण। अनइवन वाटर सप्लाई के कारण भी होता है कि जब आप लंबे समय तक खेत में पानी नहीं देते और फिर सडनली आप इरिगेशन कर लेते हैं तब फ्रूट क्रैकिंग की समस्या पाई जाती है। नेक्स्ट है सन स्कॉल्डिंग, यह हाई टेम्परेचर के कारण होती है। इसका कंट्रोल तो वाटर शुड बी पास्ड थ्रू द फॉरेस्ट टू लोअर द सॉइल टेम्परेचर। नेक्स्ट है ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट को हम इंटरनल ब्राउनिंग ऑफ पोटेटो ट्यूबर्स भी कहते हैं और ये लो टेम्परेचर के कारण होता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है फ्रीजिंग इंजुरी। तो नाम से ही पता चला है फ्रीज मतलब कहीं ना कहीं वो लो टेम्परेचर के कारण इंजुरी पैदा होती होगी, तो वही होता है कि इट अकर्स ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ ट्यूबर्स एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर। और फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होगा, -1.5 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो टेम्परेचर। इस पे उसके टिश्यूज में डिसकलरेशन हो जाता है जिसको हम फ्रीजिंग इंजरी कहते हैं। तो इसके कंट्रोल के लिए टू अवॉइड एक्सपोजर ऑफ ट्यूबर्स फ्रॉम फ्रीजिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट डिसऑर्डर है स्प्राउटिंग। हम सभी लोगों ने देख रखा है जब पोटेटो अगर किचन में रखे रहते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ से बर्ड्स निकल आती हैं जिसको हम स्प्राउटिंग कहते हैं, जो इसकी क्वालिटी को डिटोरेट करते हैं और मार्केट प्राइस को भी कम करते हैं। इसके कंट्रोल के लिए बोरेक्स या आयरन सल्फाइड का 1000 to 1500 ppm पर स्प्रे किया जाता है 2 to 3 weeks बिफोर हार्वेस्टिंग। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज होती है इसमें, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डिसीज होती है लेट ब्लाइट और ये होती है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। दोस्तों ये बीमारी इतनी घातक साबित हुई है पोटेटो के लिए कि कंट्री है आयरलैंड, वहाँ पे 1845 में इसी डिसीज के कारण कई लोग भुखमरी से मर चुके थे। ये डिसीज के कारण मीन्स क्या है, जब ये डिसीज पोटेटो में लगी तो वहाँ का जो मेन फूड था स्टेबल फूड ऑफ आयरलैंड इस पोटेटो, और इस डिसीज के कारण वहाँ की सारी क्रॉप्स पूरे कंट्री की क्रॉप पोटेटो डैमेज हो गई जिसके कारण वहाँ पे भुखमरी आ गई। इसकी अदर इंपॉर्टेंट डिसीज बनती है वाट डिसीज, सिंकाइट्रिकम इंडोबायोटिकम। नेक्स्ट है ब्राउन रूट रोजिनिया सोलानेसियम एंड एक सबसे फेमस डिसीज है इसकी अर्ली ब्लाइट जो है अल्टरनेरिया सोलानाई के कारण होती है। कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट भी हैं जैसे कटवर्म एग्रोटिस एप्सिलोन पोटेटो ट्यूबर मोथ थोर्मिया ऑपरकुलेला, ये इसके कुछ खास इंसेक्ट हैं। अब हम बात करते हैं वेराइटीज। पोटेटो में मैक्सिमम वेराइटी कुफरी से है तो नाम याद करने की ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सारी वेराइटी कुफरी से निकली हुई, और कुफरी कहाँ पर है, शिमला में। तो इसकी बहुत सारी अलग अलग वेरायटी रहती है जैसे अर्ली वेरायटी, मिड सीजन वेरायटी, लेट वेरायटी। तो अर्ली वेरायटी में हम बात करते हैं कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी जवाहर, कुफरी लवकर। मिड सीजन वेरायटी में है कुफरी शतलज, कुफरी पुखराज, कुफरी मेगा, कुफरी बादशाह, कुफरी आनंद और भी बहुत सारी वेरायटियाँ हैं। लेट वेरायटी में हम बात करते हैं कुफरी जीवन, कुफरी नीलमानी, कुफरी खासी गारो एंड कुफरी नवीन। कुछ वेरायटी ऐसी रहती है जो प्रोसेसिंग के लिए बहुत फेमस वेरायटी है जैसे कुफरी चिप्सोना फर्स्ट, कुफरी चिप्सोना टू, कुफरी चिप्सोना थ्री, कुफरी हिमसोना। चिप्सोना से यह पता लगता है कि ये वेरायटी कहीं ना कहीं चिप्स बनाने के लिए फेमस होगी। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ से एक इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट है कि कौन से पोटेटो प्रोसेसिंग के लिए बेस्ट माने जाते हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि लो शुगर एंड हाई ड्राई मैटर वाले पोटेटो को ही प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। तो इसका एक ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव भी है लो शुगर एंड हाई ड्राई मैटर।
नेक्स्ट वेराइटी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सी वेराइटी आती है, तो कोफरी शतवान जिसके पेरेंट्स हैं फुलवा और क्रेग डेफिशियंस, कोफरी शतलज पेरेंट्स हैं कोफरी बहार एंड कोफरी अलंकार। थर्ड वेराइटी है कोफरी जवाहर जिसके पेरेंट्स हैं कोफरी नीलमानी एंड कोफरी ज्योति। फोर्थ है कोफरी सिंदूरी जिसके पेरेंट्स हैं कोफरी रेड एंड कोफरी कुंदन। फिफ्थ वेराइटी कोफरी बादशाह जिसके पेरेंट्स हैं कोफरी ज्योति एंड कोफरी अलंकार। दोस्तों वेराइटी तो बहुत हो गई, पर इन हर एक वेराइटी का कुछ अलग अलग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो यहाँ मैंने वे वेराइटी लिखी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रही हैं और नेट में पूछी गई हैं। तो कुफरी ज्योति, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कुफरी ज्योति में फ्रूट क्रैकिंग की टेंडेंसी पाई जाती है, मीन्स ससेप्टिबल है फ्रूट क्रैकिंग के लिए। इम्यूनिटी टू वार्ड डिसीज एंड रेसिस्टेंट टू लेट ब्लाइट। कुफरी बादशाह की एक स्पेशल कैरेक्टर है कि ये मल्टीपल डिसीज रेसिस्टेंट वेराइटी है, लगभग ये लेट ब्लाइट अर्ली ब्लाइट पोटेटो वायरस एक्स सभी के प्रति रेसिस्टेंट है। नेक्स्ट है कुफरी श्वर्णा एंड कुफरी शेरपा, ये दोनों सिस्ट नेमाटोड के प्रति रेसिस्टेंट वेराइटियाँ हैं। लास्ट में आ जाते हैं पोटेटो के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। जैसे हम अगर पोटेटो की बात करते हैं तो एक सेंट्रल पोटेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया में, ये शिमला में है। शिमला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, और ये इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, 1949 में। एक इंटरनेशनल सेंटर भी है इसका, इंटरनेशनल पोटेटो सेंटर लीमा में है, लीमा पेरू में है, और पेरू में कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो 1971 में। दोस्तों पोमेटो में, पोटेटो में एक खास बात ये भी है कि एक पोमेटो नाम का एक प्लांट डेवलप किया गया था जो कि पोटेटो और टोमेटो के क्रॉस से डेवलप किया गया था, और ये शुभ काम मेल्चर के हाथों हुआ था 1978 में विद द हेल्प ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, जो कि अनसक्सेसफुल रहा। फॉर मेकिंग प्रोसेस प्रोडक्ट पोटेटो शुड बी अकर्स लो शुगर एंड हाई ड्राई मेंटर। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोसेसिंग के लिए बेस्ट पोटेटो कौन से होते हैं, तो जिनमें लो शुगर होती है और हाई ड्राई मेंटर रहता है। फॉर ऑब्टेन गुड यील्ड ऑफ पोटेटो रिक्वायर्स लॉन्ग डे फॉर ग्रोथ एंड शॉर्ट डे फॉर ट्यूबराइजेशन। यहाँ से भी एक आध बार क्वेश्चन आ चुका है कि लॉन्ग डे किसके लिए रिक्वायरमेंट होता है, फॉर देयर ग्रोथ, एंड शॉर्ट डे फॉर ट्यूबराइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट टेक्निक्स हैं इसकी, सीड प्लॉट टेक्निक। तो एक टेक्निक की हम पहले बात कर चुके हैं, TPS, जो रामानुजन ने 1957 में दी थी फॉर सीड प्रोडक्शन के लिए, और यहाँ होती है सीड प्लॉट टेक्निक। ये है हेल्दी सीड प्रोडक्शन करने के लिए नॉर्थ प्लेन, नॉर्थ इंडिया प्लेन्स में। इसके लिए हम, अच्छा ये सीड प्लॉट टेक्निक एक्चुअल में दी किसने है, तो यहाँ ये उस टेक्निक पुष्कर नाथ जी ने 1967 में दी है। इस टेक्निक में हम सोविंग करते हैं अक्टूबर टू जनवरी में, हार्वेस्टिंग करते हैं बिफोर क्रॉसिंग डैमेज लेवल, और इसका डैमेज लेवल कौन सा होता है, 20 एफिड्स पर 100 कंपाउंड ऑफ लीव्स। इसमें अर्थिंग अप की जाती है 40 डेज आफ्टर सोविंग के बाद। तो दोस्तों ये था हमारा पोटेटो, कम्प्लीट हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आएगा, और मेरे ख्याल से पोटेटोस में इससे बाहर आपको क्वेश्चन आना नहीं है, तो आप अच्छे से इसको बार बार देखिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। थैंक यू।